स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। केंद्र और प्रदेश के मंत्री ने कोई बयान दिया तो वह मंत्रिमंडल का बयान सरकार का बयान होता है। केंद्र और राज्य के मंत्रियों ने जो राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिए वह पीएम के इशारे पर दिए हैं। महाराष्ट्र और यूपी के नेताओं ने भी राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी की। सीधे तौर पर बताता है कि राहुल गांधी को घेरने का बीजेपी का एजेंडा इससे साफ होता है कि यदि कोई नेता जनता की समस्या उठाएगा तो उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की जाएगी और उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाएगा। जब इन सबके खिलाफ हम FIR दर्ज करने आए तो यहाँ के अधिकारियों का बर्ताव बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की तरह है। इस तरह का व्यवहार ये कहता है कि संविधान खतरे में, हमारे पास एविडेंस है लेकिन ऊपर से आदेश है इसीलिए FIR नहीं हो रही है। पुलिस विभाग के अधिकारी सर्विस रूल का पालन नहीं कर रहे हैं, FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ने आई है जिसे मोहब्बत का पैगाम दिया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा दी के है, जिनके पिता और दादी ने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान दी है। उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, देश के मूल्यों का अपमान किया जा रहा है। आज कांग्रेस ने 1000 से अधिक स्थानों में जाकर आवेदन दिया लेकिन कहीं भी FIR दर्ज की नहीं गई। फिलिस्तीन का झंडा फहराए जाने पर कहा, अगर प्रदेश में कोई विदेश विरोधी काम कर रहा है तो सरकार पर संज्ञान लेना चाहिए। क्या सरकार सो रही है? लो 24 को श्री जीतू पटवारी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी निवासी D13 चौथा बंगला भोपाल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य वरिष्ठ साथियों सहित थाना उपस्थित आए, जिन्होंने भाजपा नेता एवं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू व उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह के विरुद्ध FIR दर्ज कराने हेतु कहा, जिनसे आवेदन चाहा जो आवेदन देने से इनकार किए। बाद मौखिक रूप से बताया कि मैं जीतू पटवारी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी 13 74 बंगला भोपाल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य वरिष्ठ साथियों सहित आरक्षी केंद्र। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए KKR न्यूज के साथ।